my dear students, welcome back once again in this English class. And in this English class today we will be dealing with lesson number 3 of grammar. Okay, grammar hi hum karne ja rahe hain, that is lesson number 3. As you can see in your screen, your lesson number 3 is the uses of apostrophe. Okay, topic kya hai aapka, lesson 3, that is the uses of apostrophe. Apostrophe hum kahan use karte hai, iska kya use hota hai, we will talk about it. Okay, so before starting the use of apostrophe, let us talk about what is an apostrophe and ye use kahan hota hai. Okay, apostrophe kya hota hai, first we will talk about it. An apostrophe is a single comma placed in the middle of a word. It means apostrophe kya hota hai, aapka ek single comma hota hai jo hum word ke middle mein use karte hain. Okay, wo kya apostrophe kya hota hai students, aapka single comma hota hai that we place in the middle of a word at the top. अब कहाँ यूज करते हैं उसको, हम टॉप में यूज करते हैं. एक तो मिडल में यूज करते हैं, वर्ड्स के बीच में यूज होता है, एंड एट द टॉप, ऊपर की तरफ. टॉप मीन्स ऊपर की तरफ यूज किया जाता है. ओके, सो व्हाई हम एपोस्ट्रोफी एस का यूज, एपोस्ट्रोफी का यूज करते हैं, टू इंडिकेट बिलोंगिंग और पोजिशन और इन अ शॉर्ट फॉर्म. हम किस लिए एपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं, एपोस्ट्रोफी एस का यूज करने का मतलब होता है ये बताना कि आपका पर्टिकुलर थिंग किसका है, इंडिकेट करना कि वो किसकी बिलोंगिंग यानी कि ओनर कौन है, मालिक कौन है, ये बताना कि किसी भी चीज का मालिक कौन है. एपोस्ट्रोफी एस हम जब यूज करते हैं उसका मतलब होता है ओनरशिप, दैट मीन्स ओनर यानी कि मालिक कौन है. ओके, मालिक बताने के लिए कि पर्टिकुलर चीज का, पर्टिकुलर पर्सन का जो भी रिलेटेड है, जो भी है उसका मालिक कौन है स्टूडेंट्स, वो इंडिकेट करने के लिए हम एपोस्ट्रोफी का यूज करते हैं. कहाँ यूज करते हैं स्टूडेंट्स, एट द टॉप. ओके, टॉप में ऊपर की तरफ यूज करते हैं, मिडल ऑफ द वर्ड. एंड कैसे होता है आपका एपोस्ट्रोफी, जो आपका ये नीचे लगाया जाता है, दैट इज दिस इज योर कॉमा. ओके, ये नीचे की तरफ लगाया जाता है. अगर सेम हम इस चीज को ऊपर यूज करें, ऊपर प्लेस करें, दिस इज योर एपोस्ट्रोफी. ओके, फॉर एग्जाम्पल हियर यू कैन सी रीना, यहाँ पे ऊपर की तरफ यूज किया गया है, दिस इज योर एपोस्ट्रोफी. एपोस्ट्रोफी यूज करने का दो तरीका है, एक तो आप सिंपल इस तरीके से यूज, सॉरी आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं, अदरवाइज सिंपल आप इस तरीके से लाइन खींच सकते हैं. ओके, दिस इज द टर्म विच आई हैव एक्सप्लेन यू अबाउट एपोस्ट्रोफी. ओके, नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड, इसका यूज कहाँ होता है. हियर यू कैन सी स्टूडेंट, An apostrophe with s हम is used to show belonging or possession, मतलब ownership बताना, मालिक बताना कि particular चीज सामान का मालिक owner कौन है. Okay, for example here you can see this is Rina's doll. Here we have placed apostrophe and s. Rina में हमने apostrophe and s use करके Rina's doll बताया है. Why? Because यहाँ पे ownership बता रहे कि doll किसकी है, doll Rina की है. That's why हमने यहाँ पे apostrophe s का use किया. मैंने आपको पहले ही explain किया that we use apostrophe s to show possession, यानी कि ownership बताने के लिए हम apostrophe s का use करते हैं. So in this example also we had use apostrophe and s because ये बता रहे कि डॉल किसकी है, गुड़िया किसकी है, रीना की है, यानी कि मालिक कौन है, गुड़िया का मालिक कौन है, रीना है. दैट्स व्हाई हियर वी हैव प्लेस्ड एपोस्ट्रोफी एंड एस. नेक्स्ट वन एग्जांपल सी हियर स्टूडेंट्स, दिस इज जोन्स कार. जोन्स और जॉन्स कार. ओके, सो यहां पे सामान क्या है, कार है. अब कार किसका है, कार का मालिक कौन है, जॉन है. सो दैट्स व्हाई जॉन के साथ हमने एपोस्ट्रोफी एंड एस का यूज किया, क्योंकि हम एपोस्ट्रोफी एंड एस कब यूज करते हैं, ये बताने के लिए कि किसी चीज का पर्टिकुलर ओनर कौन है. सो यहाँ पे चीज क्या है, कार है, और इसका मालिक कौन है, जॉन है. दैट्स व्हाई हियर वी हैव प्लेस्ड एपोस्ट्रोफी एंड एस. तो इस तरीके से हम एपोस्ट्रोफी एंड एस का यूज करते हैं. क्लियर स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड. ये मैंने आपको बताया सिंपल कि हम कहां पे यूज करते हैं एपोस्ट्रोफी एंड एस. नेक्स्ट पॉइंट व्हाट यू नीड टू नो इज, हम एपोस्ट्रोफी इज यूज्ड आफ्टर एस इन प्लूरल वर्ड्स. ओके, जब हम प्लूरल चीज की बात करते हैं, प्लूरल मींस मोर देन वन, जब हम प्लूरल की बात करते हैं तो वी विल ऑलवेज प्लेस एपोस्ट्रोफी आफ्टर एस. जब अभी हमने इससे पहले जो एग्जाम्पल्स किया था वो हमने एपोस्ट्रोफी ऐसे पहले यूज किया था, बिकॉज वो क्या था, सिंगुलर नाम था, इफ यू हैव नोटिस्ड. नाउ यहाँ पे क्या नेक्स्ट टर्म क्या बताया गया है, हम प्लूरल वर्ड्स के साथ जब एपोस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे तो वो एस के बाद यूज करेंगे.
For example, you can see here, there, these are girls' dresses. Here, girls क्या है आपका प्लूरल है. So प्लूरल के साथ हम जब भी apostrophe यूज करते हैं, we will place after s. Okay? So here the posture will be girl. apostrophe. अगर हम यही सेम चीज यहाँ सिंगुलर के लिए यूज करते तो क्या होता, girl apostrophe and s girls, ये होता. अब जब हम प्लूरल के साथ यूज कर रहे हैं तो वो क्या हो गया, s के बाद वी विल प्लेस एन apostrophe. ओके, सो नेक्स्ट एग्जाम्पल यू कैन सी हियर, Those are the trees branches. यहाँ पे trees मतलब more than one indicate किया है. That's why we have placed apostrophe after s. Okay, like this. So हमने यहाँ पे after s क्यों place किया? Because trees आपका क्या है? Plural है. Okay. Next one is boys' thoughts. Boys' thoughts means यहाँ पे boys means plural है. That's why we have used apostrophe after s. And girls' feelings here we this is plural. So that's why हमने यहाँ पे s के बाद apostrophe use किया है. तो in simple terms the meaning is that singular में हम apostrophe and s use करेंगे and with plural s के बाद we will place an apostrophe. Okay, students. So now, with this explanation, let us solve this activity. This is from your book itself. Okay. So now, let us solve it. So number one, आपको क्या करना है? Write the expression using apostrophe and s. Okay, यहाँ पे आपको plural form का नहीं लिखना है, s के बाद वाला apostrophe नहीं लिखना है. You will have to write apostrophe and s. Okay. Number a question है, the dress worn by दिव्या. यहाँ पे चीज क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे किसकी बात हो रही है, कि दिव्या के बारे में बात हो रही है, कि दिव्या ने जो कपड़े पहना हुआ है. सो दैट मींस थिंग, सामान क्या है, ड्रेस है. इसका मालिक कौन है, दिव्या है. सो द एक्सप्रेशन विल बी दिव्यास वाई ए एपोस्ट्रॉफी एन एस, दिव्यास ड्रेस. गॉट इट स्टूडेंट्स. नाउ नंबर बी, The color pencils belonging to Arun. अब यहाँ पे सामान things क्या है students? Color pencils. And ये color pencils किसकी है? इसका मालिक कौन है? Arun. So the expression will be Arun's. यहाँ पे apostrophe and s का use करेंगे. Why? Because question में ही हमें बताया गया है कि apostrophe and s का use करना है. Arun's. अब सामान क्या है? Color pencils. तो color pencils. So students, one thing you have to make it sure, जो मैं यहाँ पे वीडियो पे I am solving the questions, you have to note it down this on your book itself, seeing this video only. Okay, ये वीडियो देख के ही आपको आंसर कंप्लीट करना है. इसका PDF you will not get it. जो वीडियो में नहीं मैं बताऊंगी उसका PDF you will get it. Okay? Now number C, the uniform worn by the ड्राइवर. यहाँ पे चीज क्या है, यूनिफॉर्म है. एंड इसका मालिक कौन है, ड्राइवर. सो द एक्सप्रेशन विल बी ड्राइवर्स, वी आर एपोस्ट्रॉफी एंड एस, ड्राइवर्स क्या है, यूनिफॉर्म. नेक्स्ट वन नंबर डी, द वैन बिलोंगिंग टू हैरी पॉटर. हियर योर थिंग इज वैंड एंड इसका मालिक कौन है, हैरी पॉटर. सो योर एक्सप्रेशन विल बी हैरी पॉटर्स, डबल टी ई आर एपोस्ट्रॉफी एंड एस, पॉटर्स डब्ल्यू ए एन डी वैंड. ओके, नेक्स्ट वन, द ऑफिस इन विच माई फादर वर्क्स. यहाँ पे प्लेस के बारे में बताया गया है. सो प्लेस कौन सा है, ऑफिस. एनी प्लेस में कौन काम करता है, बिलोंगिंग कौन हुआ, फादर. सो हियर योर आंसर विल बी फादर्स, फादर्स ऑफिस, ओ डबल एफ आई सी ई ऑफिस. सो दिस इज योर आंसर. एंड स्टूडेंट्स वन थिंग आपने नोट डाउन किया, यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था, एपोस्ट्रॉफी एंड एस हम सिंगुलर के साथ यूज करेंगे. सो जो भी हमने यहाँ पे जो ओनरशिप बताया है वो सारे सिंगुलर है, इसीलिए हमने एपोस्ट्रॉफी एंड एस का यूज किया. दिव्या
वन सिंगल गर्ल, एक सिंगल लड़की है, अरुण सिंगल लड़का है, ड्राइवर ड्राइवर्स नहीं है, यहाँ पर ड्राइवर है, दैट्स व्हाई एक सिंगल है, हैरी पॉटर, हैरी पॉटर मींस ओनली वन, एंड फादर, फादर यहाँ पे फादर्स नहीं बताया गया है, ओनली फादर, दैट मींस सिंगुलर, तो सिंगुलर के साथ वी विल प्लेस एपोस्ट्रॉफी एंड एस, एंड विद प्लूरल एस के बाद वी विल प्लेस एन एपोस्ट्रॉफी. ओके, सो आई गेस यहां तक आपको क्लियर हो चुका है, सो नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड. ओके, सो दिस इज नेक्स्ट पॉइंट, जहां पे एपोस्ट्रॉफी फंक्शन हम कहां पे यूज करते हैं. ओके, सिंपल है एपोस्ट्रॉफी का यूज करना, हम शॉर्ट फॉर्म्स, इन राइटिंग शॉर्ट फॉर्म्स वी यूज एपोस्ट्रॉफी. ओके, शॉर्ट फॉर्म लिखने के लिए भी हम एपोस्ट्रॉफी का यूज करते हैं, एपोस्ट्रॉफी कॉमा इज प्लेस ऑफ द मिसिंग लेटर्स, कहां पे मिसिंग लेटर्स की जगह पे हम एपोस्ट्रॉफी एस का यूज करते हैं. ओके, सॉरी, एपोस्ट्रॉफी का यूज करते हैं, नॉट एस, ओनली एपोस्ट्रॉफी. फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, आई एम, ये क्या है, फुल फॉर्म है आई एम, सो इसका शॉर्ट फॉर्म होगा आई एपोस्ट्रॉफी एन एम, जो ए आपका मिसिंग लेटर है उसके रिप्लेसमेंट पे वी हैव यूज एन एपोस्ट्रॉफी. ओके, नेक्स्ट वन इज ही इज, ही इज आपका फुल फॉर्म है, इसका शॉर्ट फॉर्म है ही एपोस्ट्रॉफी एन एस, सो हमने यहाँ पे आई की जगह पे, मिसिंग वर्ड की जगह पे हमने क्या यूज किया है, एपोस्ट्रॉफी का यूज किया है. सो सेम वेज, इज नॉट फुल फॉर्म है, इजंट आपका शॉर्ट फॉर्म है, कुड नॉट फुल फॉर्म है, कुडंट आपका शॉर्ट फॉर्म है. नेक्स्ट पॉइंट इज, जब भी हम प्लूरल नंबर्स, यानी कि अगर आपको कोई पैराग्राफ दिया गया है उसमें वन नंबर आपका थ्री फोर टाइम्स रिपीट हुआ है, नंबर फोर थ्री फाइव फोर फाइव टाइम्स रिपीट हुआ है, तो व्हेन जब आप नंबर्स प्लूरल में बात करते, प्लूरल मीन्स मोर देन वन, यानी कि वन नंबर एक से ज्यादा बार आना. ओके, लेटर्स, आपका लेटर्स मीन्स वन लेटर, यानी कि लेटर ए एक से ज्यादा बार आना, दैट इज प्लूरल्स. प्लूरल्स, प्लूरल क्या होता है, मोर देन वन होता है, तो यदि आपका नंबर एंड लेटर्स मोर देन वन, प्लूरल्स हुआ, तो उसको हम क्या करते हैं, उसमें हम एपोस्ट्रॉफी कब लगाते हैं, एपोस्ट्रॉफी एंड एस यूज करेंगे. जैसे मैंने सिंगुलर में बताया था कि एपोस्ट्रॉफी एंड एस यूज करेंगे सिंगुलर टर्म के साथ, सिमिलर वे में अगर आपका नंबर और लेटर्स प्लूरल हुआ तो उसमें हम लेटर या फिर नंबर के बाद एपोस्ट्रॉफी एंड एस यूज करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, हियर यू कैन सी ऑल द पीज एंड क्यूज आर रिटन इन बोल्ड. सपोज आपके नीचे कुछ पैराग्राफ दिया गया है और उसमें ये बताया गया है कि जितने भी पी है, जितने भी पी लेटर है एंड जितने भी क्यू लेटर, दैट मीन्स जितने भी पी मतलब एक से ज्यादा आया पी, एंड जितने भी क्यू मीन्स एक से ज्यादा बार आया क्यू. सो उस ऐसे टर्म्स में जब हम लेटर्स का प्लूरल फॉर्म में लिखेंगे तो एपोस्ट्रॉफी एंड एस का यूज करेंगे, लाइक दिस. ओके, एंड नेक्स्ट एग्जाम्पल, प्लीज मार्क ऑल द थ्रीज इन रेड. यहाँ पे एपोस्ट्रॉफी एस का यूज किया गया थ्री के बाद. मैंने क्या बोला, प्लूरल नंबर, प्लूरल नंबर पे यहाँ पे क्या बोला है, प्लीज मार्क ऑल द थ्रीज, यानी कि जितने भी गिवन नंबर्स में है उसमें जितने भी थ्री नंबर्स है, अब मोर देन वन हो गया उसमें, तो मोर देन वन, जब हम थ्री यानी कि नंबर्स को मोर देन वन का हम रिप्रेजेंट करते हैं तो ऑलवेज वी विल यूज आफ्टर नंबर एपोस्ट्रॉफी एंड एस यूज करेंगे ऐसे टर्म्स में. ओके, सो दिस इज द टर्म, मैंने आपको बताया कि कहां पे हम एपोस्ट्रॉफी एंड एस का यूज करेंगे. पहले बताया सिंगुलर में हम एपोस्ट्रॉफी एस का यूज करेंगे, प्लूरल में एस के बाद वी विल यूज एपोस्ट्रॉफी, शॉर्ट फॉर्म में जो मिसिंग लेटर्स होता है उसके रिप्लेसमेंट पे वी विल यूज एपोस्ट्रॉफी. ओके, अब मैंने बताया जो नंबर प्लूरल है या फिर लेटर प्लूरल होता है तो उसके साथ हम नंबर या लेटर्स के बाद हम एपोस्ट्रॉफी एंड एस का यूज करते हैं. ओके, नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड. ये आपके बुक में है कुछ शॉर्ट फॉर्म्स है. ओके, कुछ फुल फॉर्म्स एंड शॉर्ट फॉर्म्स है. ये जो है आपका दिस साइड का फुल फॉर्म है, दिस इज योर फुल फॉर्म, एंड इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, दिस साइड यू हैव गिवन, तो आपको ये आपको लर्न करना है. ओके, जैसे आई एम का शॉर्ट फॉर्म इज आई एपोस्ट्रॉफी एंड एम, आई हैव का आई एपोस्ट्रॉफी एंड वी ई, आई विल और शैल का आई एपोस्ट्रॉफी एंड डबल एल, तो इस तरीके से दिस इज द शॉर्ट फॉर्म. ओके, शॉर्ट फॉर्म, तो शॉर्ट फॉर्म को रिप्रेजेंट करने के लिए भी वी विल यूज एन एपोस्ट्रॉफी. गॉट इट स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड. सो हियर इज अ क्विक एक्टिविटी फ्रॉम योर बुक इटसेल्फ. ये आपके शॉर्ट फॉर्म में ऐसे क्वेश्चंस है. व्हाट यू नीड टू डू इज यू हैव टू मैच दिस वर्ड्स, यू हैव टू मैच दिस वर्ड्स विद द शॉर्ट फॉर्म.
ओके सो शॉर्ट फॉर्म के साथ आपको जस्ट मैच करना है. सो दे विल का शॉर्ट फॉर्म होगा स्टूडेंट, यहाँ पे इस साइड पे देखिए कि दे का कहा जिक्र हुआ है. हियर इन नंबर फोर दे, सो हियर दे विल शॉर्ट फॉर्म का शॉर्ट फॉर्म क्या है, ये हुआ. यू आर, तो ध्यान रखना पहले वाला वर्ड वही आएगा. सो हियर यू कहाँ पे, यहाँ पे, दैट मीन्स इसका शॉर्ट फॉर्म ये रहा. ओके ही इज, तो यहाँ पे ही कहाँ पे, कौन से वर्ड में ही है, तो यहाँ पे है. सो इसका शॉर्ट फॉर्म इज दिस. आई एम, आई कहाँ पे है, सो हियर आई है, तो इसका शॉर्ट फॉर्म इज दिस. We are, so we कहाँ पे, we यहाँ पे लिखा हुआ, that's means इसका short form ये है. And she will कहाँ लिखा है, she कहाँ लिखा है, यहाँ पे लिखा है, that means इसका short form ये है. Okay, तो first जो word होता है ना वो वही रहता है. Okay, इससे आप short form easily identify कर सकते हैं. Okay students, so remaining जितने भी questions है वो just आपके explanation यहीं तक का था. Remaining आपके exercise है, यहाँ तक exercise I have और शॉर्ट डाउट. सो रिमेनिंग एक्सरसाइज का PDF यू विल गेट इट. ओके, यहाँ तक आपको वीडियो से देख के ही कंप्लीट करना है. सो स्टूडेंट्स, यूजेज ऑफ एपोस्ट्रोफी आई हैव एक्सप्लेन्ड यू एंड आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल. सो स्टूडेंट्स, द चैप्टर इज कंप्लीटेड एंड हैव अ गुड टाइम.